प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube ऐप। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल NIS ऑनलाइन हब में। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे, आज जो है 31 जनवरी था और सभी की निगाहें यानी जितने भी NIS कैंडिडेट हैं उत्तराखंड के अलावा बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्य के सभी NIS टीचर का जो है आज ध्यान था कि आज जो है क्या कुछ होगा और उसके बारे में मैंने डिटेल जो है वीडियो बनाई थी। थोड़ा सा साउंड क्वालिटी ठीक नहीं है, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। ठीक है, जो भी अपडेट आता है आपके बीच में लेकर हाजिर होता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूंगा आज जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, पूरी घटना का जो है विस्तार से बताने का कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए और हमें मोटिवेशनल मिलती है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों विस्तार से बताने का कोशिश करूंगा कि क्या कुछ हुआ था। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे, आज जो है डेट पर लगी हुई थी और सभी की जो है निगाहें आज के फैसले पर टिकी हुई थी कि आज क्या कुछ होगा नहीं होगा। तो फाइनली दोस्तों यहां से एक जो है लंबी जो है डेट मिल गई है, वो डेट है 3 मार्च 2023 को। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं और स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे 3/3/2023 को एक फिर से जो है डेट मिल गई है और ये जो है नहीं हो पाई है। कारण है कि जो है 43 पर जो है लिस्टेड थी, ये जो केस नंबर है ये लिस्टेड थी 43 पर यानी 43 पर, और आज जो है 30 नंबर तक ही जो है सुनवाई हो पाई है और किसी कारण जो है नहीं हो पाई है। जो हमें सूचना मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है, किसी कारण नहीं हो पा रही है। लेकिन आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है और इसमें भी जो है NIS का ही पक्ष जो है भारी है, यानी NIS का पक्ष ही जो है मजबूत है, NIS ही जो है जीत हासिल करेगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, सभी राज्यों का जजमेंट दिखाया था, साथ में बहुत सारे स्टेट में जो है NIS कैंडिडेट जो है अभी ऑलरेडी जो है टीचर में जॉब कर रहे हैं। आने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो पटना हाईकोर्ट, त्रिपुरा हाईकोर्ट और हाल ही में नैनीताल हाईकोर्ट से भी जो है जीत हासिल हुई है। तो अब देखने वाली बात होगी दोस्तों कि 3 मार्च को क्या कुछ होता है। ठीक है, आप लोग घबराए नहीं, जो भी KVS के फॉर्म भरे हैं आप लोग तैयारी कीजिए। जो भी अलग अलग स्टेट में जो निकल रहे हैं वो उसमें आप लोग जरूर भागीदारी करें। अभी मामला जो है यूपी और उत्तराखंड में जो है चल रहा है विशेष करके, और सुप्रीम कोर्ट से जो है सभी की निगाहें थी कि आज फैसला होता है तो जो है सभी राज्य के लिए जो है लागू होगा। लेकिन दोस्तों एक नई डेट मिली है, वो जो है 3 मार्च है। अब आने वाले समय में ही आपको जो है और भी अपडेट हम देने का कोशिश करेंगे। नंदन सिंह बोरा से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि इस वक्त वो व्यस्त हैं। ठीक है, और भी हम जो है अलग अलग जो है जैसे पप्पू सर हैं बिहार के, उनसे भी हम बात करेंगे, चैनल पर लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो को जो है समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने।